गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सब सभी ठीक होंगे। तो मैं नीलम स्वागत करती हूं आप सभी का आज के अपने एक नए ब्लॉग पे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग की 11 बजे से। और आप लोगों को बता दूं कि मेरा रोज कहीं ना कहीं जाना हो रहा है, क्योंकि गांव में रोज शादियां और वो भी परिवार में निकल जाती हैं, कभी वैसे ही रिश्तेदार में निकल जाती हैं। तो आज है रिश्तेदारों में शादी और हमारे यहाँ बहुत खास, क्योंकि जो जिन्होंने हमारा समूह वगैरह खिलवाया था तो वो उनके लड़के की शादी हो रही है, इसलिए हम मुझे स्पेशली बुलाया है। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, वहाँ पे मम्मी गई थी न्योता देने के लिए तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं सोच रही चली जाऊँ। पर मैंने पति देव को अभी फ़ोन किया था, वो बोल रहे हैं कि शादी मतलब जो बारात है वो तो गेट पे खड़ी हुई है बारात जाने के लिए, क्योंकि आज है दूल्हे की शादी, लड़के की तो दूल्हा बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग जाने का मन बना भी रहे और नहीं भी कर रहे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अब देखती हूँ, अगर जाती हूँ तो ठीक है, आप लोगों को दिखाती हूँ, बने रहिए ब्लॉग पे। और हम लोगों का जो बुलावा आया है तो हम लोग जा ही रहे हैं, और दक्ष जा रहा है मेरे साथ में, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है अकेले जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा लाइट लग रही है यहाँ तो, और पटाखे बज चुके हैं, और हो सकता है अभी बारात उठने वाली है, तो देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। अभी ये है हमारा गाँव, और ये है इस गाँव का मंदिर, शिव मंदिर है, और बारात जाने के लिए गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। कितनी है कितनी कम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ियाँ हैं। इससे ज़्यादा तो मानना और ये जो RCC दिख रही है, और इधर से जाते तो लास्ट घर पड़ता है उनका। Oh, oh, oh.
चुके हम लोग बारात भेज के और पति देव चले गए हैं शादी में, क्योंकि आज है उनका कैमरा, उनकी बुकिंग। और मेरे हाथ में है ये साड़ी जो कि लेके आई थी मैं अपने भैया की शॉप से, तो आप लोगों को दिखाती हूँ इसको ट्रायल पे। ये कुछ बॉक्स में इस तरह से लग रही है और देखते हैं इसका लुक कैसे आने वाला है। और अभी ये पिक्चर में कुछ इस तरह से दिख रही है साड़ी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ इसको मैं ट्राई करके, मतलब पहन के। जो साड़ी मैंने आप लोगों को अभी बॉक्स में दिखाई थी जो कि मैं अपने भैया की शॉप से लेके आई थी, और ये साड़ी आप लोग देखिए इसका लुक। कलर मेरे को मैंने कभी पहना नहीं था ये वाला कलर, इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया। और मेरी बहन ने लिया है ब्लू कलर। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ये अपनी जो भतीजी उसके नामकरण में पहने, तो उस दिन आप लोगों को दिखेगा फुल तैयारी में ये जो हम लोग साड़ी पहनेंगे। और फिलहाल तो मैंने अभी भी अच्छी तरह से डाल रखा है, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये है पर्पल कलर की साड़ी जो कि मैंने कभी नहीं डाली थी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है ये कलर। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये साड़ी कैसी लग रही है, और बाकी ये कलर कैसा लग रहा है, मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कलर, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं और लाइक करने में भी। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं अपने घर के कपड़ों में और इसको चेंज करते हैं। मैं हो चुकी हूँ तैयार आज फिर से, क्योंकि आज गांव में फिर से शादी है, लेकिन यहाँ पे हमें रिश्तेदार की तरफ से इनवाइट किया गया है, क्योंकि हम रिश्तेदार ठहरे गांव की तरफ से नहीं। तो फिर हम लोग जा रहे हैं आज। और अभी ये कुछ इस तरह से मैंने डाल रखी है साड़ी, और मुझे ये साड़ी ना बहुत पसंद आती है। इसको मैंने फर्स्ट टाइम एक ही बार पहना और ये सेकेंड टाइम है। और ये साड़ी को दी थी मेरी बुआ ने रक्षाबंधन पे गिफ्ट भाई लोगों की तरफ से, तो ये साड़ी मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसी लग रही है। और हाँ, वहाँ पे है पतिदेव वगैरह, क्योंकि आज है पतिदेव के अंडर में फोटोग्राफी करना, क्योंकि आज उनकी बुकिंग है। और बाकी उनके दोस्त भी आ चुके हैं, और फिर हम लोग उनके साथ ही वापस आ जाएंगे। मैं आप लोगों को सारा डिटेल यही बता दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भीड़ पे और डीजे की आवाज में आप लोगों को कुछ ना ही बोल पाऊँ ना ही कुछ बता पाऊँ आप लोगों को, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और अभी परिवार से ये है यहाँ पे बहू, वो उनका वेट कर रही हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ और बाकी दक्ष भी तैयार हो चुका है, और शायद मम्मी लोग जा रही हैं, अभी उनसे मैंने पूछा नहीं है, भतीजी लोग तो जा ही रही है। और फिर मिलते हैं हम लोग वहीं पे आप लोगों को शादी वाले घर पे। हाँ, ब्लॉग पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो फाइनली हम लोग आ ही चुके हैं तैयार होकर शादी वाले घर, और आप लोगों को यहीं से रौनक दिखने लगी होगी। और मेरे पीछे है मम्मी मतलब सासू माँ, और ये मेरी बहू जिनकी मैं बात कर रही थी कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। और दक्ष कह रहा है हमें भी तो दिखाओ, तो ये है दक्ष। और आप लोगों को डीजे की आवाज आने लगी होगी, क्योंकि कुछ इस तरह से है यहाँ पे घर। मम्मी तैयार हो चुकी है भैया, और ये डेकोरेशन हो रखा है, यहाँ पे दुल्हन को बिठाएंगे। रूम भी हम लोग देखा है जहाँ पे दुल्हन को बिठाना है, और वहाँ पे डेकोरेशन भी कर रखा है। और बाकी जहाँ पे है किचन, तो किचन बना रखा है, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और अब डाल लेती हूँ सर पे पल्लू, क्योंकि काफी लोग बैठे हुए हैं, और आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का खाना। तो यहाँ पे खाना बन रहा है और सब लोग बैठे हुए भी हैं। अच्छे है, हाँ बनाइए। ओ दीदी ले बहन तो अभी हम लोग आए हैं अपनी बहू के रूम में, और यहाँ पे चल रहा है पार्लर वालों का भैया मेकअप, तो इनका लुक दिखाएंगे हम लोग बाद में, क्योंकि ये कंप्लीट तैयार हुई नहीं है, इसलिए हम चलते हैं बाहर ये वाली बहू और मैं, और बाकी ये बच्चे बैठे हुए मेरे। ये देखो ये मेरी गुड़िया है लाडो, उसका नाम क्या है? हाँ
और ये मेरी भतीजी है, सबसे छोटी वाली क्यूट सी भतीजी है ये भी। और यहाँ पे पार्लर चल रहा है अभी, मतलब मेकअप चल रहा है, और बाद में बात करते हैं हम लोग इनसे और बाद में दिखाएंगे इनका फाइनल लुक। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं अभी शादी वाले घर पे, चलो।